यस जीटीए भागलपुर, पुनः एक बार आप सभी प्यारे प्यारे रसगुल्लाज की सेवा में उपस्थित। आइए मित्रों, 16 दिसंबर 2021 पेपर वन, 1 to 5 के दमदार सीडीपी के प्रश्नों को छक्का छुड़ाते हुए धूल चटाते हैं। देख रहे हैं आप पेपर वन हिंदी एंड संस्कृत 22 लिखा हुआ है। हाँ जी, लेकिन इस पे नहीं जाना है, ये 16 तारीख का है दोस्त। आगे बढ़ते हैं संस्कृत के साथ। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, आप देख पा रहे हैं प्रश्न रहा ये 1 नंबर क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास अर्थात डेवलपमेंट, क्या है दोस्त कि विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, ये रहा आपका पूरा प्रश्न, इंग्लिश के साथ भी देख ले। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल? तो विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, क्या एक डायरेक्शन में होती है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि विकास बहुदिशीय होता है, फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव अर्थात संज्ञान, मानसिक, इमोशनल, सोशियल, इमोशनल अर्थात शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगिक, हर पक्ष की दिशा से होता है, अंतर्संबंधित, कोरिलेटेड। क्या विकास तो एक दिशा में कैसे आप कहोगे, है ना दोस्त, बहुदिशा, मल्टी डायरेक्शनल होता है, इसीलिए यह है गलत। यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता, अरे यार, केवल व्यक्ति की हेरिडिटी, जेनेटिक्स पर निर्भर करता है, वातावरण का प्रभाव नहीं होता है क्या? यह भी विकल्प गलत, यह भी गलत। कैसे? विकास की प्रक्रिया में विकास केवल वातावरण के कारक यानी एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है, यह भी गलत। देखिएगा दोस्त, ये कैसे गलत हुआ 2 नंबर और 3, 4 नंबर। एक बात बताइए, गेहूं का पौधा एकदम मार, एकदम हाइब्रिड वाला ले ले आइए, हाँ एक नंबर ले ले आए, ओकरा राजस्थान में ना तो बंजर भूमि में जा करके बो दीजिए, पैदा होगा? तो वही है, एक बच्चे को हेरिडिटी मिली कुशल वाली, जीन, जेनेटिक्स, डीएनए बेहतरीन मिला है, लेकिन क्या हो जब वातावरण बेहतर न मिले उस बच्चे को, एनवायरनमेंट करता है प्रभावित। और इसके ठीक विरोध में, इसके ठीक कटाक्ष में, एक वातावरण बेहतरीन मिले बच्चे को लेकिन उसका जेनेटिक्स है लुसुर लुसुर, नहीं है बढ़िया, यानी हेरिडिटी नहीं है बढ़िया, अर्थात वी कैन से दैट कि वातावरण और हेरिडिटी, आनुवंशिकता सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं विकास को प्रभावित करने में। तत्पश्चात जाति, प्रजाति, लिंग, भोजन, आर्थिक स्थिति, ये सारी चीजें भी विकास को प्रभावित करती हैं, अर्थात डेवलपमेंट को, इफेक्टिव डेवलपमेंट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करने वाले केवल लगा हुआ है, केवल लगा हुआ है, गलत हैं। विकास की प्रक्रिया सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विविधताएं होती हैं, अर्थात विकास की प्रक्रिया में संस्कृति रोल निभाती है। हाँ जी, वाइगोत्स्की ने दिया भी सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, क्यों नहीं होगा 3 नंबर बेहतरीन उत्तर। यस, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, अर्थात देयर इज कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। कल्चरल डाइवर्सिटी, अलग अलग व्यक्ति का, अलग अलग समाज में, केरल का संस्कृति अलग है, बिहार की संस्कृति, यूपी की संस्कृति, तमिलनाडु की संस्कृति, और बच्चे संस्कृति जैसी है उस प्रकार से विकास होता रहता है, बच्चे ढलते रहते हैं। सो 3 विल बी द राइट आंसर। यस,
समझे दोस्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनहांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन। बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, बोले तो आलोचनात्मक चिंतन, विवेचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है। समालोच क्या क्या नाम सुने, समालोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन या विवेचनात्मक चिंतन। माने क्रिटिकल थिंकिंग मतलब होता है गुण और अवगुण को जानना, बच्चों में संवेदनशीलता प्रदान करना, अवेयरनेस जागरूकता प्रदान करना, इसका मतलब होता है। तो एनहांसिंग गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं। कौन से विकल्प अपसारी चिंतन वाले होंगे, खुले अंत वाले, मुक्त अंत वाले, अर्थात एक से ज्यादा तरीके से बच्चा कर सके चिंतन, थिंकिंग, बच्चा हो ज्ञान का नन्हा अन्वेषक, सृजनकर्ता। आखिर किस विकल्प में ऐसा गुण पाया जा रहा है। एक नंबर कहता है, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं। बच्चे एनालिसिस करेंगे क्यों आखिर ऐसा करते हैं, तो बच्चे चिंतन करेंगे, डिस्कवरी करेंगे अन्वेषण विधि के साथ, ह्यूरिस्टिक मेथड, H.E.R. Armstrong की खोजी विधि। अर्थात बच्चा बनेगा नन्हा अन्वेषक, चूंकि यह प्रश्न जुड़ा है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, खुले अंत वाले, मुक्त अंत वाले, यानी एक से अधिक तरीकों से समस्या समाधान करने का तरीका, प्रॉब्लम सॉल्वर हो बच्चा तो क्यों नहीं एक नंबर बेहतरीन उत्तर होगा। बाकी बांध के रखने वाला अभी सारी चिंतन है, क्या बंद अंत वाले, इन द बॉक्स थिंकिंग, कि भारत के 10 राज्य के नाम लिखो, 10 ही लिखो, 10 से ज़्यादा नहीं, तो बच्चे का दिमाग कैसे विकसित होगा। 2 से 10 तक के पहाड़े, 10 से ज़्यादा नहीं, तो अभी सारी चिंतन बंद अंत वाले। दी गई कविता सुस्मरण, मैंने रट्टा मार करके वाचन करो, बोलो, नहीं बढ़ेगा दिमाग, नहीं बढ़ेगा दिमाग, होगा रट्टू तोता क्रैमिंग, रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन, मशीनीकरण पर आधारित। इसीलिए तीनों विकल्प हैं, अभी सारी चिंतन, बंद अंत वाले, और एक नंबर बच्चे में इमेजिनेशन, कल्पना परकता, रचनात्मकता, बच्चे को बनाएगा कंस्ट्रक्टिविज्म, सृजनकर्ता, और ज्ञान का बनेगा बच्चा नन्ना साइंटिस्ट, स्वक्रियाशीलता करेगा, और कर भी तो रहा है बच्चा, चिंतन कर रहा है, बच्चे में इमेजिनेशन कल्पना परकता आएगी, क्यों नहीं एक नंबर बेहतरीन विकल्प होगा दोस्त। सोचिए एक शिक्षक के तौर पर, सोचिए एक सर जी मैडम जी के तौर पर, तो रहे क्वेश्चन एनो एनो लरठी चौंप करके बन जाएगा, मैंने लरठिया चौंप लीजिएगा क्वेश्चन का। हाँ, अपनी अंतरात्मा में छुपे हुए शिक्षक के गुण को जगाइए। किताबी धंधे से नहीं चलेगा अब सीटेट। क्वेश्चन नंबर 3, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित में से, नियम में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। माने स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लिसिटी एम्फेसाइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, किस प्रिंसिपल को वर्णित करेगा। विकास की निरंतरता, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। विकास की अनिरंतरता, यानी विकास रुक जाती है क्या, रुक रुक के चलती है क्या, विकास जीवन पर्यंत चलता है, यह तो गलत बातें हैं। अनिरंतरता यानी कि डिसकंटिन्यूटी। विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, यस, सांस्कृतिक कारक, वातावरणीय कारक प्रभावित करते हैं विकास को, तो किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है, ये क्या, यहाँ तो नहीं होना चाहिए इस विकल्प में दोस्त, नहीं पूछा जाना चाहिए, यह प्रश्न है गलत। समझ में आई बात, स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन, यहाँ एक विकल्प, 3 विकल्प, 4 विकल्प पॉजिटिव है। विकास के चरणीय सिद्धांत, विकास के सिद्धांत क्या, निरंतरता का सिद्धांत, सांस्कृतिक कारक प्रभावित करता है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक, और सामाजिक यानी वातावरणीय कारक, तो कौन नहीं होगा, यह पूछा जाना चाहिए प्रश्न में, और 3 नंबर नहीं होगा, 3 नंबर उत्तर होगा। हाँ जी दोस्त,
चलिए उम्मीद करता हूँ अब आप ए थ्री नंबर कैसे दो नंबर उत्तर हो जाएगा ना, जब प्रश्न में नहीं लग जाएगा। आप सोचिएगा कि विकास की चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोड़ नहीं देती है, क्या नहीं देती है, नहीं लगा दीजिएगा तब हो जाएगा अनिरंतरता, डिसकंटिन्यूटी, और दो नंबर उत्तर आपका, और सीटेट आयोग ने भी दो ही नंबर उत्तर लिया है। हाँ दोस्त, लेकिन कैसे लिया, बंदे ने नहीं को नहीं लगाया, आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट, अरे विकास जीवन पर्यंत चलता है ना निरंतर रूप से, मरने के बाद भी जो है एक घंटे तक क्या होता है, तीन घंटे तक मरने के बाद भी हमारे शरीर में सांसें बाकी रहती हैं, हमारा बाल बढ़ते रहता है, नाखून बढ़ते रहता है, कोरोना 20 घंटे तक रहता है, ये सब चीज़ क्या दिखाती है कि विकास जीवन पर्यंत मृत्यु पर्यंत भी चलता रहता है, माँ के गर्भ से वुम्ब टू टुम्ब चलता है, क्या वुम्ब टू टुम्ब अर्थात गर्भ से जीवन पर्यंत कब्र तक। एक मित्र का प्रश्न था कि विकास प्रारंभ होता है तो प्रीनेटल स्टेज गर्भावस्था में, अर्थात गर्भ से कब्र तक, वुम्ब टू टुम्ब। चलिए दोस्त, आपके प्रश्न का उत्तर गर्भावस्था, और यहाँ प्रश्न का उत्तर टू नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, दमदारी के साथ देखते हैं, चिल्ड्रंस एंगेजमेंट विथ लर्निंग इन स्कूल इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित होते हैं बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है, यानी अधिगम से जुड़ाव कहाँ पर, विद्यालय में। अरे कहने का मतलब है बच्चे अधिगम जो करते हैं, लर्निंग जो करते हैं, वो कहाँ कहाँ से करते हैं, बस इतनी सी बात है। बच्चे का जो अधिगम होगा, लर्निंग होगा, वो कहाँ से होगा, तो पारिवारिक समाजीकरण, यस, परिवार से होता है। समकक्षी संबंध यानी पीयर से, पीयर यानी कि समवयस्क, तो समवयस्कों के माध्यम से, पीयर रिलेशनशिप के माध्यम से होता है पीयर, तो पीयर पॉजिटिव शब्द है, एक बच्चा दूसरे बच्चों से बेहतर समझ सकता है। अच्छा, संस्कृति, अपने सामाजिक सांस्कृतिक अपने परिवेश से सीख सकता है, संस्कृति से। बच्चों का आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ एस्टीम, बच्चे का यदि अस्मिता, अस्मिता यानी कि आत्मसम्मान, आत्मगौरव को ठेस लग जाएगी तो बच्चे तो हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे, बच्चे सेल्फ रिग्रेटनेस प्रकट करेंगे, है ना, तो बच्चे खुद से ही हीन भावना ग्रस्त होंगे तो आत्मगौरव आत्मसम्मान नहीं होगा। तो बच्चों को जरूरी है सेल्फ एस्टीम करवाइए, आत्मसम्मान करवाइए, तो क्यों नहीं चौथा भी विकल्प होगा। अरे बच्चे का कपाड़ में भरा हुआ है निगेटिविटी, आत्मसम्मान नहीं है, तो आत्मसम्मान होना चाहिए ना, तभी तो अधिगम यानी लर्निंग यानी सीखना हो पाएगा। तो एक दो तीन चार, तीनों विकल्प हैं दमदार, समझ गए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, काफी बेहतरीन प्रश्न, समझे ना, उसमें घुमाया गया है, बात इतनी सी है, बच्चा कहां कहां से लर्निंग करेगा, अधिगम कहां कहां से करेगा। आइए प्रश्न संख्या 5, जीन पियाजे महोदय पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, उम्र है 2 से 7 वर्ष ना जी दोस्त, चरण में बच्चे क्या कर पाते हैं। देखिए प्रतिलोमिक चिंतन माने कि उत्क्रमणशीलता जो होती है, रिवर्स कर पाने का गुण, वह तो 7 से 11 वर्ष यानी कंक्रीट ऑपरेशनल में पाया जाता है। इस उम्र में बच्चे में इरेवर्सिबिलिटी अनुत्क्रमणशीलता पाई जाती है, तो यह है 7 से 11 मूर्त चिंतन अवस्था यानी मूर्त संक्रियात्मक, इसलिए यह उत्तर नहीं होगा। अनुक्रमिक वर्गीकरण यानी क्रम से अरेंज कर लेता है बच्चा, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का कौशल इसमें विकसित होता है। तीसरी अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, संरक्षणवाद कंजर्वेशन का गुण मौजूद होता है तीसरी अवस्था में, मतलब एक मूल बिंदु से ले जाइए और दूसरे कहीं जा करके छोड़ दीजिए, तो अपन बच्चा बुतरू का पटना ले जाइए, पटना में जाके छोड़ दीजिए, तो हाई उम्र के बच्चा लौट के भागलपुर नहीं आ पाएगा,
लेकिन इस उम्र का बच्चा मूर्त संक्रियात्मक में आ जाएगा क्योंकि कंजर्वेशन का है भाव। तो 3, 4 और 1 पाया जाएगा तीसरी अवस्था मूर्त में। लेकिन प्रश्न है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अर्थात कि प्री ऑपरेशनल में क्या पाया जाता है, तो प्रतीकात्मक खेल। बच्चा खेलों से जुड़ा रहता है, बच्चा खेलता है क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, वो उनके प्रतीक पर, सिंबल पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? उनके बिलीफ पर, उनके सिंबल पर आधारित प्ले होते हैं। और आप जानते हैं शैशवावस्था खिलौने की उम्र, टॉयज एज, और बाल्यावस्था प्ले एज, क्या प्ले एज कहलाती है। तो क्यों नहीं हमारा यह उत्तर होगा। नहीं समझे? आइए देखिएगा, प्रतीकात्मक खेल प्रतीक ही तो होते हैं, चोर, सिपाही, वजीर, राजा, पर्ची चार गो एकदम हम लोग फाड़ते थे स्कूल में, इसमें 100 नंबर राजा को, 100 पॉइंट, इसमें सिपाही को मिलते थे 50 पॉइंट। यह प्रतीक ही तो है एक, हाँ, तो प्रतीकात्मक खेल बच्चे खेला करते हैं किस में? 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। क्यों नहीं होगा 2 नंबर उत्तर? लॉजिकल प्रश्न है साहब। हाँ जी, और वैसे भी आप समझिए कि तीनों विकल्प कट गए, वो तीनों विकल्प किसके साथ जाएंगे? मूर्त संक्रियात्मक। जीन प्याजे का जान रहे हैं ना आप लोग? सबसे पहला सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, फिर ऑपरेशनल यानी कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त चिंतन की अवस्था। फिर से सुने, इंद्रिय गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक जिसे हम अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं ना जी दोस्त, जिसमें निगमनात्मक तर्कणा आती है और तीसरे वाले में आगमनात्मक तर्कणा। चलिए आगे बढ़िएगा। फिर वही प्रश्न है, आप देखिए 6 नंबर, कोई नया प्रश्न नहीं है, आपको सीटेट देखता है इस बार के तथ्यों के आधार पर कि आप सोच कितना बेहतरीन ढंग से सकते हैं। अ यंग चाइल्ड कैन एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले, आ गया ना प्रतीकात्मक खेल फिर से सिंबॉलिक प्ले, अर्थात एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल, इसकी अंग्रेजी सिंबॉलिक प्ले, बट कैन नॉट एज येट टेक परस्पेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन एंड बिकम्स ईजली अपसेट, माने तुरंत ही वो उदास हो जाती है, निराश हो जाती है, हतोत्साहित हो जाती है। इवेंट्स ही और सी कैन नॉट कंट्रोल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज गिवन बाय जीन पियाजे, तो यार प्रतीकात्मक खेल है तो मारिए ना पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मतलब प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था में? तो इसी अवस्था में ना, एकदम सेम 5 नंबर का रिपीटेशन है। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा अभिलक्षण, माने कौन सा लक्षण, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? बोले तो क्वेश्चन को सीधा कीजिए, कोहलबर्गो में कौन वाला सिद्धांत आविर्भूत है? बात बुझ लो, इतने को गपे है, झूठो घुमाता फिराता है, रेनू ने ब्याह करे के मन है, बोलेगा पहले रमुआ के ब्याह हुए न, पहले छिल्टवा के, रजगपला के, पहले किरनी के, पहले बबितिया के, छंगुरिया के, जोगिंद्रा के ब्याह हुए न, मतलब तोर ब्याह करे के मन है, बात बुझे, घुमा फिरा के कौन पकड़ रहा है? क्वेश्चन को दोस्त जुबानी ताकत को पकड़िए, इसके शुद्ध हिंदी को पकड़िए, और अंग्रेजी के साथ सीटेट बस शब्दों के साथ खेलती है, जिस दिन शब्द पकड़ने आ गए उस दिन सीटेट सेटर का लरठी चोभ लीजिएगा आप। चलिए देखिएगा, नैतिक विकास के चरण का सार्वभौमिक रूप यानी कि सभी लोगों पर यूनिवर्सल रूप से लागू होता है, क्या सब लोगों पर लागू होता है? कोहलबर्ग का जो सिद्धांत दिया गया है, सबसे पहला पूर्व नैतिकता यानी पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िवादी अवस्था, अच्छा उम्र है 4 से 10 वर्ष, दूसरा है 10 से 13 अर्थात कन्वेंशनल स्टेज नैतिक या परंपरागत या रूढ़िवादी अवस्था, नहीं,
और तीसरा चरण है पश्च या उत्तर रूढ़िवादी, पश्च या उत्तर पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, उम्र है 13 से 16 वर्ष, 16 वर्ष के बाद इसने नहीं बताया, इसीलिए निरंतर रूप से यह चलती रहती है क्या, तो निरंतरता हो गया गलत। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है साहब, एक क्रम से बताया है, एक क्रमिक प्रक्रिया होती है, यह नहीं बोल के दिग्भ्रमित कर रहा है। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर होती है, कहता है मुख्य रूप से सांस्कृतिक मूल्य यानी कि समाज पर निर्भर करता है, संस्कृति पर निर्भर करता है, जबकि यह बच्चे के तार्किकता पर आधारित, नैतिकता पर आधारित होती है, ना कि सामाजिक सांस्कृतिकता पर, मतलब सोशियो कल्चरल पर, सोशल पर, समाज पर नहीं, संस्कृति पर नहीं, यह हमारी कॉग्निटिव अर्थात यह हमारी नैतिकता पर, जिसे कन्वेंशनल कहते हैं, मॉरलिटी पर निर्भर होता है, सांस्कृतिकता पर नहीं। इसीलिए एक नंबर सही होगा नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप, जो स्टेज होता है वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना, भूटान, रूस और कैलरी लोचे हो वहां करो, सब के बच्चा के साथ नियम पाया जाएगा, सब बच्चों में नैतिकता तारकना, और सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, जो सभी जगह लागू हो। तो एक नंबर उत्तर। आठ नंबर, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट शुड बी यूज्ड फॉर ZPD। क्या होता है ZPD? खुद का प्रयास यानी कि सेल्फ लर्निंग और बड़ों का प्रयास यानी पीयर लर्निंग, दोनों के मदद से जो चीज उसने सीखा वही तो है ZPD, यानी खुद का प्रयास ADL, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, खुद से जो प्रयास किया, बहुत सारी चीजें समाज में देना, देखियो साइकिल पर चढ़ ले बच्चा, खुद का प्रयास है, पत्थर पे चढ़ गया, पत्थर पे चढ़ के साइकिल पे चढ़ गया, और फिर उधर से रम छंगुड़िया चचा आया, नुनु पकड़ पकड़ ले अच्छी हो आगू देख, तो दूसरों की मदद भी ली ना, पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल PDL, इन दोनों की मदद से, यानी इन दोनों के अंतर को कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब देखें ये ZPD परमानेंट होता है, अस्थाई होता है, और एक होता है पाड़ निर्माण, ढांचा निर्माण, इसके फोल्डिंग, उसमें अंतर इतना है कि वह टेम्पररी होता है और अस्थाई होता है, चीजें वहां भी यही होंगी और अस्थाई, जैसे प्रश्न देखिएगा तो वहां अधूरा प्रश्न दिया रहेगा, एक शिक्षिका इतना काम कर दिया बच्चा को खुद से छोड़ दिया करने के लिए, तो वह क्या है, इसके फोल्डिंग है, वहां अस्थाई मदद है, टेम्पररी है, नॉट परमानेंट मदद, परमानेंट हेल्प, समझे कुछ जी। चलिए आइए दही खाइएगा, हम खा रहा हूँ सर एग्जाम के वक्त जाएंगे खा करके, महाराज मजबूत होइए ना एकदम में से, एकदम चापिए दही, चल नहीं चापुआ नहीं है, आगे बढ़िएगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र अध्यापन और मूल्यांकन, यस टीचिंग के क्षेत्र में, मूल्यांकन के क्षेत्र में, यानी बच्चे का जांच करने के क्षेत्र में, जांच क्यों करते हैं मूल्यांकन के, टीचर जो पढ़ाया क्या टीचर के पढ़ाने की विधि में दोष तो नहीं है, क्या शिक्षण व्यवस्था चड़मड़ा तो नहीं गई है, क्या व्यवस्था में त्रुटि तो नहीं है, क्या मेरे बच्चे सीख रहे हैं बेहतर ढंग से, इसीलिए आकलन या मूल्यांकन, असेसमेंट या इवैल्यूएशन करते हैं। और ZPD यानी अध्यापन टीचिंग करने में और मूल्यांकन लर्निंग करवाने में बच्चों को मदद करेगा, केवल टीचिंग करने में, केवल तो लग गया वैसे भी गलत, लेकिन आप सोचिए ना, केवल टीचिंग करने में करते हैं, पढ़ने में नहीं, पढ़ाने में नहीं, पढ़ाने में बोलते हैं सीखने में नहीं, केवल मूल्यांकन गलत ना, तो दो तीन तो गलत हो गया। प्रवाही बौद्धिकता की पहचान, प्रवाही यानी कि बेस्ट वाला इंटेलिजेंस, एसर्निंग
फ्लूइड इंटेलिजेंसी, फ्लूइड इंटेलिजेंसी अर्थात बेस्ट वाला बौद्धिकता, तो आपकी कक्षा में मंदबुद्धि वाली बौद्धिकता भी तो होगी, तो आप केवल बेस्ट वाला बच्चे के साथ जा करके तो भेदभाव कर रहे हैं ना, क्या यही होता है ZPD? अरे ZPD का इस्तेमाल कीजिएगा किसमें, बच्चों की मदद कीजिएगा, बच्चों को मूल्यांकन यानी टेस्ट दे देते हैं, बच्चा खुद से टेस्ट देता है, तो खुद का प्रयास एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, और बड़ों का प्रयास यानी टीचर जी फिर गलती होता है तो बताते हैं, मदद करते हैं PDL, इसके मदद से क्या सीखा बच्चे ने, ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाएगा, तो इस दृष्टि में करना चाहिए। ये देखिए दोस्त, ये है ADL खुद का प्रयास, और ये है PDL यानी कि दूसरों का प्रयास, ये बड़ों बुजुर्गों या दोस्त मुहिम पीयर संवयस्कों का प्रयास ये वाला, और इसकी मदद से खुद के प्रयास से, और ये वाला प्रयास, तो इस दोनों के सहयोग से ये वाला क्षेत्र जो पा लिया उसने, यही है ZPD। बात कुछ समझे, समझ लो नहीं तो छंगुड़ी माए से पूछिए। आगे बढ़ते हैं। झूठो हम अपना पेटो के अनाज डिग डिगा करके पचा रहे हैं, धोरी उन्टा के जहाज नियर डिकर रहे हैं अकेले। चलिए देखिएगा 9 नंबर, एक विशिष्ट संप्रत्यय, संप्रत्यय माने कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए, संप्रत्यय मतलब क्या बताया था, स्कीमा, संप्रत्यय मतलब अवधारणा, संप्रत्यय मतलब प्रत्यय, अवधारणा, स्कीमा, नॉलेज, जानकारी, कॉन्सेप्ट। तो कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने हेतु अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती, आधा हल किया उदाहरण, लेव वाइगोत्स्की, पाठ निर्माण, इसके फोल्डिंग ढांचा निर्माण, अभी तुरंत न बोले, अधूरा प्रश्न रहेगा, चीजें वही होती हैं, खुद का प्रयास और संवयस्कों का प्रयास, उसके बीच का जो अंतर होता है, उसके मदद से जो सीखा वही इसके फोल्डिंग है, ढांचा निर्माण है, मचान निर्माण है या पाढ़ निर्माण है। लेकिन ये जो होता है इसके फोल्डिंग, ये होता है टेम्पोररी, नॉट परमानेंट, टेम्पोररी और अस्थाई, अंतर इतना ही है ZPD में। ZPD में जो मदद मिलती है वह परमानेंट होती है, अस्थाई। अब देखें यहाँ आधा अधूरा हल किया हुआ प्रश्न है, तो पार निर्माण लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ये सभी लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। नेक्स्ट 10 नंबर, कहता है निम्नलिखित में कौन सी अभिवृत्ति, कौन सा जो एटीट्यूड है प्रगतिशील कक्षीय माहौल, यानी प्रगतिशील प्रोग्रेसिव क्लासरूम को बता रहा है, तो निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, डिसीजन मेकर बनाना बच्चे को, क्या डिसीजन मेकर, डिसीजन ले सके बच्चा, अच्छी बात है। कक्षीय माहौल के अनुसार भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, भय नहीं होना चाहिए, भय हो रहा है तब तो बच्चे को डराया जा रहा है, तब तो प्रजातांत्रिक यानी बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम नहीं है। तो कहता है भय से मुक्त है अधिगम वातावरण, यह भी बेहतरीन है। विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नता यानी पर्सनल इंडिविजुअलिटी का ध्यान रखा जा रहा है, यह भी बेहतरीन बात है। फ्रांसिस गॉल्टन ने जो दिया था व्यक्तिक विभिन्नता, प्रत्येक व्यक्ति का रूप, रंग, सोच, व्यवहार, बुद्धि अलग अलग होती है, हाथों की, आंखों की पुतली, फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, बोली, स्वभाव, बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है, तो एक शिक्षक को व्यक्तिक विभिन्नता अर्थात इंडिविजुअलिटी का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, यह भी सही, यह भी सही, यह भी सही। अध्यापक द्वारा बाहर से अनुशासन थोप दीजिए, अरे बच्चे को बाहरी रूप से डिसिप्लिन, कभी भी डिसिप्लिन वाला विकल्प मत चुनिए दोस्त, क्योंकि डिसिप्लिन के नाम पे क्या होता है, बच्चों को ठगा जाता है, कैसे, डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन मेंटेन करो, गधा कहीं का, बेहुदा, इडियट, नॉनसेंस, ब्लडी फूल। अनुशासन देश को महान बनाता है, खुद तो अनुशासन में है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन बच्चों से क्वेश्चन पूछने का अधिकार छीन लिया जाता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के तहत अनुशासन लागू करना गलत होगा। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली, जिसे प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम बोलते हैं, ऐसी शिक्षण विधि होनी चाहिए जो कि कहती है MCF 2005, साथ ही साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। हाँ जी,
तो यह तो गलत है। कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगति सक्षम माहौल के अनुसार है? देखिए यहाँ नहीं होना चाहिए। तब आपका उत्तर होगा चौथा, और चौथा उत्तर लीजिएगा। ऐ देखिए इंग्लिश में नोट दिया गया है, चट्टा लगता है पीवी पीवी का अले था का हो हैं, ये सब नहीं सुझाता है। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं दे ध्यान दीजिए, आप पॉजिटिव पीवी पीवी गए कोची समझे हो बबीतिया जी, कोची समझे पानी महाराज ढेर। निगेटिव मत सोचिएगा, हम बड़ी अच्छा आदमी हूँ, वो तो देखिए में लगता होगा। चलिए अगला प्रश्न। चलिए मित्रों मुस्कुराइएगा केवल, अदर वे में कोई ना लीजिएगा। रुचि के सिद्धांत, मुस्कुराते हुए। जिंदगी एक रंगमंच है, यहाँ जिसने डिप्रेशन और तनाव ले लिया उसका खेल और बंटाधार समाप्त, यानी खेल समाप्त। और जो मुस्कुरा के कठिनाइयों का सामना करता रहा रुचि के सिद्धांत के साथ, बस उसी की जय जयकार ही। चलिए दोस्त 11 नंबर प्रश्न। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे। अरे यार बुद्धि लब्धि IQ दिया था 1911 से 12 में, 12 में प्रकाशित हो गई थी, टर्मन ये स्टर्न ने दिया हुआ था। क्या बोला? बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस कोसेंट इक्वल टू MA मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल या रियल एज, और 100 से गुना नहीं किया। लेकिन 1916 ईस्वी में टर्मन ने MA मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु CA गुना 100 कर दिया। हाँ तो यह बुद्धि लब्धि 1916 में टर्मन ने दी जो बेस्ट मानी जाती है। तो आप बुद्धि लब्धि जैसे 140 प्रतिभाशाली गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, यदि 120 से 130 139 तक है हाँ तो वह बच्चा सृजनात्मक है, क्रिएटिव माइंड का है। एक यदि 90 से 110 का है बुद्धि लब्धि तो वह सामान्य एवरेज बुद्धि है। 110 से 120 है तो वह तीव्र बुद्धि का बच्चा है। 25 से 50 बुद्धि लब्धि यदि है IQ तो वह बच्चा कैसा है? मूढ़ है, मूढ़ डल माइंडेड माने मूर्ख है। लेकिन अति मूर्ख होगा 0 से 25 में। ये सब एक क्राइटेरिया है, इसे याद रखना है आपको। तो आप देखिए इस बुद्धि लब्धि के आधार पे बच्चे को वर्गीकृत कीजिएगा। प्रश्न यही ना है दोस्त कि बुद्धि लब्धि के आधार पर समूह बांटिएगा कि रे तुम प्रतिभाशाली है आगे बैठ, अरे तुम तो एक नंबर गधा है तुम पीछे बैठ, तुम इधर बैठ, तुम्हारा तो नंबर ही कम आता है। तो बच्चे में हीन भावना होगी कि नहीं? बच्चे अपने आप में अपना आत्मसम्मान गौरव खोते चले जाएंगे कि नहीं? शिक्षक के तौर पर सोचिए। या अध्यापक के लिए असुविधाजनक? अरे टीचर के लिए क्या है नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है, टीचर का बात छोड़िए। यह विद्यालय के लिए असुविधाजनक है, फिर बच्चों के लिए सोचना है ना। यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन करना, एक बच्चा दूसरे बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करने नहीं देता है। अब बुद्धि लब्धि संकल्पना अस्थाई नहीं है। बुद्धि लब्धि क्या होता है ना, वातावरण दीजिए बेस्ट। एक बच्चा आप देखते होंगे समाज में, पढ़ने में बच्चा में बहुत कमजोर था, आगे चल के वह मेधावी नहीं होता है। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। आप लोग अपने भाभी का बेटा को देख लीजिए, नहीं बुझे भौजी के बेटा के देखियो, बेटी के देखियो, बच्चा में पढ़े में बड़ी तेज, और कौन अखमुनिया के चक्कर में पड़ गया, बच्चा कमजोर हो गया। बुद्धि लब्धि बदलती है दोस्त वातावरण के अनुसार से, परिवेश जैसा दीजिएगा, जैसा उसे TLM मटेरियल से पढ़ाइएगा, बुद्धि लब्धि कहीं ना कहीं बनती और बिगड़ती, यानी चर माध्यम होगा, चर वेरिएबल। तो यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है, यानी चिन्हित बच्चे को लेबल लगा देना, लेबलाइजेशन कर देना, लेबलीकरण क्या कर देता है यह लेबल, स्टेबल ऑल्सो लीड्स टू लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों को लेबल जैसे लगाइएगा तो यह गलत हो जाएगा बच्चे के लिए। क्यों गलत होगा दोस्त? बच्चे अपने आप में हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे कि भगवान हमको ऐसा क्यों बनाया, मेरा बुद्धि इतना कमजोर क्यों दिया। याद कीजिए वो दिन हम लोग सोचा करते थे कि नहीं,
कलपते थे अपने आप में, तनाव से ग्रसित होते जाते थे। इसीलिए एक शिक्षक को भेदभाव पक्षपात नहीं करना चाहिए, समूह में पृथक नहीं करना चाहिए। और प्रश्न है क्योंकि, तो क्योंकि बुद्धि लब्धि एक संकल्पना स्थायी नहीं है। 4 नंबर बेहतरीन उत्तर। सर 3 नंबर क्यों नहीं होगा? देखिए, यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंत सामूहिक प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन नहीं करने देता। जहाँ भी कॉम्पिटिशन आ जाए सीटेट में, आप उत्तर मत लीजिए, क्योंकि कंपटीशन देता है एक दूसरे से नफरत की भी भावना। सर ये क्या बोल रहे हैं? अरे यार आप सोचिए ना, दुर्योधन और भीम का युद्ध, जब जीत नहीं सकता था बार बार दुर्योधन, तो उसे यमुना नदी में भीम को विष पिला के डाल दिया। इसीलिए प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करवाना शिक्षक का मेन लक्ष्य नहीं है, इसीलिए नहीं होगा उत्तर। प्रतिस्पर्धात्मक ये सब चीजें उत्तर नहीं लेगा सीटेट। कान खोल कर सुने, अपना नहीं तो बुचिया माय का कान पकड़ के घींच लीजिए। बात इतनी ऐसी है, पक्षपात नहीं करना है, वर्गीकरण नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तो अस्थाई नहीं होती है बुद्धि लब्धि, यह बदलती रहती है। तो बच्चे को मौका मिलता रहेगा तो बच्चा धीरे धीरे सुधर सकता है। 4 नंबर उत्तर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है दोस्त, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या पढ़ियन तो क्या सब हमरे से पढ़ाइएगा। हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत क्या है? हॉवर्ड गार्डनर का सिद्धांत बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी प्रत्येक बच्चे को अलग अलग TLM मटेरियल से पढ़वाइए। बच्चे को अलग अलग, बच्चे में बौद्धिकता पाई जाती है, बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार होती है। यस, बहुबौद्धिकता, अलग अलग बच्चे में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, बौद्धिकता। किसी में संगीतात्मक बुद्धि, किसी में भाषिक बुद्धि, किसी में शारीरिक गतिक बुद्धि, किसी में अंतर्व्यक्तिक और अंतराव्यक्तिक। अंतर्व्यक्तिक अर्थात इंट्रापर्सनल, और अंतराव्यक्तिक इंटरपर्सनल, और अंतर्व्यक्तिक इंट्रापर्सनल और अंतराव्यक्तिक। अरे क्या मैं बोले जा रहा हूँ, मैं भी ना लगता है टावर मेरा छोड़ दिया है। अरे अंतर्व्यक्तिक मतलब दूसरों के भावनाओं का ख्याल रखना, इच्छा सम्मान आदि का ख्याल रखना, तो यही होता है अंतर्व्यक्तिक। नहीं, अंतर्व्यक्तिक में जो होता है, दूसरों के भाव आदि का ख्याल रखते हैं। अंतर्व्यक्तिक अर्थात इंट्रापर्सनल। क्या सुने? अंतर्व्यक्तिक मतलब इंट्रापर्सनल। हाँ जी। और दूसरा है अंतरा इंटरपर्सनल, अंतराव्यक्तिक इंटरपर्सनल। तो इसमें खुद के भावनाओं, रुचि आदि का ख्याल रखते हुए दूसरों के ऊपर लागू करते हैं। खुद का विचार, सम्मान, भावना आदि का ख्याल। कुछ बात समझ में आई? अजी। तो खैर, प्रत्येक बच्चे में अलग अलग बुद्धिकता पाई जाती है, तो अलग अलग बौद्धिकता। तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह के अध्यापन रणनीति, अलग अलग TLM का प्रयोग कीजिए, इस्तेमाल होना जरूरी है। क्योंकि अलग अलग बच्चे में अलग अलग बौद्धिकता पाई जाती है। 1 नंबर क्यों नहीं होगा उत्तर? आप इंग्लिश में देखिए इसी को, इट हेल्प्स एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस। और क्या दिया हार्वर्ड गार्डनर अमेरिकी ने कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी अर्थात बहुबुद्धि का सिद्धांत। प्रत्येक बच्चे में बुद्धि की योग्यता अलग अलग डेवलप हो जाती है। 8 प्रकार की बुद्धि सब में रहती है, लेकिन वातावरण जैसा मिलेगा एक बुद्धि निखर जाती है, बाकी उसके धरातल यानी कि बॉटम में दबकर रह जाती है। जैसे मुकेश अंबानी, उसको मिला बिजनेस का माइंड, बिजनेस का वातावरण। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का वातावरण मिला। तो सचिन तेंदुलकर में काइंस्थेटिक यानी फिजिकल काइंस्थेटिक शारीरिक गतिक बुद्धि, और मुकेश अंबानी में गणितीय तार्किक बुद्धि, मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है ना दोस्त। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग TLM मटेरियल से सीखेंगे, अलग अलग मैथड से सीखेंगे। क्यों? अरे समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव क्लास में, आपकी कक्षा में 30 बच्चा बैठेगा ना जी प्राथमिक में, एक चटिया एक मास्टरवा पे 30 गो बच्चा 30 गो चटिया। तो अलग अलग बच्चे का बुद्धिकता होगा कि नहीं? कोई बच्चा प्रतिभाशाली होगा तो कोई लुसुर सीखने वाला होगा। तो यही तो अपन बोल रहा है, और कहाँ कुछ अपन बोला।
यह बहुविबौधिकता उत्तर, यह सामान्य बौद्धिकता तो प्रतिभाशाली बौद्धिकता को कौन मदद करेगा। यह तारक विद्यार्थी, तारक माने स्टार टाइप का, यानी कि प्रतिभाशाली बेस्ट वाला स्टूडेंट, तारक का मतलब समझिएगा क्या है, क्रिएट्स स्टार स्टूडेंट्स, तो स्टार स्टूडेंट्स और सामान्य बुद्धि और मंद बुद्धि को कौन संभालेगा फिर। सारे बच्चों को न देखना होगा आपकी कक्षा में, समावेशी कक्षा में तारक बुद्धि के साथ साथ सामान्य एवरेज बुद्धि वाला भी होगा, मूढ़ बुद्धि वाला भी होगा, तो सबका ख्याल रखना है। यह व्यावहारिक बौद्धिकता के बढ़ाने में मदद, व्यावहारिक यानी कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी, अर्थात जो दैनिक जिंदगी में प्रयोग होता है, तो इसमें मदद करता है। यार किताबी जीवन को भी तो बढ़ाना है, किताबी जीवन से भी तो समझना है। कहता है कि किताबी जिंदगी को बाहरी दुनिया से जोड़िए, लेकिन यहाँ खाली बाहरी दुनिया ले रहा है, आपको तो यह विकल्प लेना होगा ना दोस्त। प्रत्येक बच्चे अलग अलग नियम, सिद्धांत, विधि, बताने का तरीका, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम, सहायक सामग्री से समझते हैं, इसीलिए एक नंबर ना। नेक्स्ट नंबर 13, यस यस 13 नंबर, द ट्रू वर्ड अटरेंसेज, मैंने अटर कर रहा है, उच्चारण कर रहा है, अटरेंसेज ऑफ मतलब दो शब्दों वाला, तो दो शब्द वाला, डेढ़ से ढाई साल, अरे मुझे नहीं पता, दो ही शब्द ये जो होता है ना वो टेलीग्राफिक स्पीच होता है बस, यानी कि तार भाषा वाला, तार वाली भाषा होती है, क्या होती है, तार प्रेषित, यहाँ प्रे होगा प्र, ये जो है ना दोस्त यहाँ प्रेषित होगा, प्र एकार होगा, एकार छूट गया है, प्रेषित वाचन, टेलीग्राफिक स्पीच। तो डेढ़ से ढाई साल की उम्र के बच्चे क्या करते हैं, आप देखिए, सबसे पहला बच्चा बबलिंग करता है, पहले क्रंदन करता है, क्राइंग रोता है, फिर बबलाता है, बबलिंग बलबलाना, फिर उसके बाद फोनीम का प्रयोग करता है, टूटे फूटे शब्द का प्रयोग करता है, हाँ शब्द नहीं, हम कहें पूरा शब्द तो बोलता ही नहीं है, अक्षर वगैरह बोलता है, मम्मा मम्मा तो मा मा मा, पूरा मम्मा नहीं बोल पाता है, चाय है चा चा बोलेगा चा, तो फोनीम है, ध्वनिम जिसको बोलते हैं, स्वनिम जिसको बोलते हैं, उसके बाद रूपिम अर्थात मॉर्फिम का प्रयोग करता है, तो सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है। तो शुरू में बच्चे ढाई साल के, दो साल के बच्चे पूरा वाक्य सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं, ज़्यादातर प्रयोग नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे प्रयोग करते हैं लेकिन सभी बच्चे नहीं प्रयोग करते हैं, किसका, वाक्य का, बड़े बड़े वाक्य का, वो दो शब्द, मम्मा खाना दो, मम्मा चाय, पापा हम भी मेला जाओ, हम भी मेला जाओ, तो मेला, एक शब्द दो शब्द का प्रयोग ना, टेलीग्राफिक स्पीच यानी कि तार वाली भाषा, तार प्रेषित वाचन कहलाता है, टू विल बी द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मैन जनरली थिंक विद देयर हेड्स, अब ले पुरुष दिमाग से सोचता है और महिला अपना हृदय से, हार्ट से, तो यह रूढ़िवादी कर रहा है कि नहीं, लिंग पूर्वाग्रह, जेंडर स्टीरियोटाइप, कितना बार क्लास में बताए हैं, स्टीरियो जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइप, अर्थात लड़के होके रोते हो, छी, तो लिंग पूर्वाग्रह, लड़के नहीं रो सकते हैं क्या, लड़के विज्ञान पढ़ेंगे, लड़कियां गृह विज्ञान, होम साइंस, यह भी लिंग पूर्वाग्रह है, तो जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर बायस, समझे दोस्त, देखते ये लगा देना है दूसरा उत्तर। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है, नहीं होता, तो अध्यापन द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल, देखिए चिंतन करने वाला बच्चे का थिंकिंग, यानी कि माने टीचर ऐसी चीज़ों का, पत्र पत्रिका जनरल्स का यूज करे, पत्र पत्रिका का, जो बच्चों को चिंतन करने पर, मननशील करने पर मजबूर करे, तो अच्छी बात है। स्व मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट अर्थात अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अर्थात अधिगम के रूप में असेसमेंट एज लर्निंग, बताया था ना, ये सबसे पॉजिटिव होता है स्व मूल्यांकन, और समकक्षी यानी कि पीयर वगैरह, अधिगम में मूल्यांकन, अधिगम में आकलन, असेसमेंट इन लर्निंग यानी दूसरे दोस्तों की मदद से आकलन, पीयर असेसमेंट, पीयर इवेल्यूशन,
अधिगम में आकलन। तो इस प्रकार से बच्चे का मूल्यांकन किया जाए, हाँ किया जाता है। केवल मानक निर्दिष्ट, मानक शब्द आ गया ना स्टैंडर्ड, यानी बच्चे गलतियां ना करे। मानक माने वैल्यूएबल, मानक माने ऑथेंटिक। तो बच्चे की त्रुटि नहीं करनी है ना तब, और त्रुटि नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे। अरे अमानक भी तो होना चाहिए, अमानक अनस्टैंडर्ड। दोस्त मेरा वो फंडा याद कीजिए जहां मानक देखिए, मानक स्टैंडर्ड। सीटेट ने कभी उत्तर नहीं लिया, क्योंकि थोंडाइक ने दिया त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, अर्थात बच्चे अमानक का भी प्रयोग करना चाहिए। हमने आपने क ख ओ आ ए बी सी डी जोड़ना घटाना क्या एक दिन में सीख लिया। गलतियां हुई, त्रुटि का एक सिलसिला, एक दौड़ चल पड़ा, और गलतियां करते करते हमने सीख लिया। तो इसीलिए केवल मानक गलत, अमानक के साथ होना चाहिए प्रयोग। और यहां है केवल मानक, इसीलिए है गलत। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या है, बच्चे की त्रुटि, बच्चे का पॉजिटिव परिणाम, बच्चे का पॉजिटिव नेगेटिव, सारे चीज को लिखना, चाहे वो शिक्षक लिखें, अभिभावक लिखें, या बच्चे खुद अपना लिखें। पोर्टफोलियो, पोर्ट माने आसानी से, फोलियो माने ढोने वाला फाइल। तो बच्चे अपने डे बाय डे रिपोर्ट लिखते जो भी हैं, या शिक्षक तो दैनिक कार्य का लेखा जोखा, दैनिक कार्य का डे बाय डे रिटर्न जो होता है वह पोर्टफोलियो कहा जाता है। पोर्टफोलियो पॉजिटिव अर्थ में लीजिएगा। अब आप समझ चुके हैं, तीसरा उत्तर हो जाएगा कि किसका इस्तेमाल नहीं होता, तो तीसरे विकल्प का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 16 नंबर कहता है वंचित और हाशिए पर, हाशिया यानी मार्जिनलाइजेशन। देखिए हाशिया है ना, तो मार्जिनलाइजेशन किधर है, देखिए डिसएडवांटेज एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। मार्जिनलाइज या हाशिया का मतलब क्या होता है, वैसे बच्चे जिन्हें है दृष्टि से देखा जाता है, जिन्हें दबे कुचले नज़रों से देखा जाता है, जिन्हें छुआ छूत की नज़रों से देखा जाता है, आज भी उन्हें संथाल, आदिवासी या फिर निम्न जाति बोल के संबोधित किया जाता है। तो वंचित वर्ग के हैं वो, डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं, डिप्राइव्ड, बात कुछ समझे। तो उनको उठाने की ज़रूरत है, उनके लिए क्या है, उनके लिए समूह यानी वंचित। हाशिया का मतलब समझ गए ना, अर्थात जिन बच्चों के साथ भेदभाव होता है, हाशियाकरण माने मार्जिनलाइजेशन, अर्थात भेदभाव करना बच्चों के साथ। हाँ ऐसे चौथाई छोड़ देना मैथ में, इन इन छोड़ दिए चौथाई, वो नहीं सोचिएगा। शैक्षिक निहितार्थ, शिक्षा के पर्सपेक्टिव में ये मतलब होता है, बच्चों के साथ भेदभाव आदि, हाशियाकरण न करना, मतलब भेदभाव नहीं करना बच्चों के साथ, क्या नहीं करना बच्चों के साथ ही, मतलब अलग स्थिति में रखना, बच्चों के साथ भेदभाव करना, ये सब चीज़ें गलत होंगी। हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है, तो अध्यापक वगैरह क्या सुनिश्चित करेगा, शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, साम्यता समानता एक के जैसा तो चीज़ है। सुविधाजनक समूह, देखिए एक जैसा चीज़ नहीं है। और 4 नंबर विशेषता सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। इंग्लिश देखिए इक्वालिटी इन एजुकेशन, यह है इक्विटी इन एजुकेशन। इक्विटी मतलब होता है साम्यता, मतलब जिस बच्चे को जो चाहिए, वंचित वर्ग है तो उन बच्चों को उसके हिसाब से ही सुधारिए। यहाँ उत्तर होगा साम्यता। शिक्षा में समानता का मतलब है अंधा लूल्हा लगड़ा और समान बच्चा, सबको एक ही नियम, सबके लिए इक्वलिटी। बात कुछ समझ में आई, नहीं समझ में आई ना दोस्त, देखिए ध्यान से सुनिएगा खाली। इक्विटी मतलब साम्यता का मतलब है निष्पक्षता और न्याय, और समानता मतलब कि सेम सेम सबके लिए। साम्यता, इक्विटी मतलब होता है आवश्यकता जिस बच्चे को है, जिस चीज की,
यानी आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण के रूप में सुविधा मुहैया प्रदान करना। तो यहाँ बच्चे हैं वंचित वर्ग के, तो उनको साम्यता में ले जाइए, इक्विटी में ले जाइए। और उत्तर हमारा दूसरा होगा, बारीक सा अंतर है, समानता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक बच्चे के लिए समान अवसर, समान अवसर सबके लिए, सेम चीजें, भले वो वंचित वर्ग हो या वंचित वर्ग नहीं हो, सबके लिए वही नियम एक जैसा। जबकि साम्यता इक्विटी कहती है कि वंचित वर्ग को स्पेशल स्पेशल नीड्स के आधार पर चीजें और शिक्षा गुणवत्ता मुहैया करवाया जाए। इसीलिए उत्तर इक्विटी, साम्यता। कुछ बात समझ में आई दोस्त? चलिए, तो बच्चों को कैसे सुधारना है, वंचित और हाशिए पर स्थित समूह की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने के अध्यापक क्या सुनिश्चित करें, यानी कि स्कूली पाठ्यक्रम में वंचित वर्ग के बच्चों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, शिक्षा में साम्यता लाइए, उनके लिए स्पेशल अधिकार लाइए। टू नंबर उत्तर, नेक्स्ट 17, कि पर्याप्त समर्थन प्रदान के बावजूद एक कक्षा विद्यार्थी गणितीय संक्रिया, अरे गणितीय संक्रिया मारिए ना कठिन, गणितीय वैफल्य, ये फ है दोस्त, गणितीय वैफल्य, वैफल्य वैफल्य यानी कि डिस कैलकुलिया, कैलकुलिया कैलकुलेटर से जोड़िए, और कैलकुलेटर यानी कि गणित, तो गणितीय अक्षमता, टू विल बी द राइट आंसर। ये जो होता है आलेखीय, आलेखीय ये होता है डिसग्राफिया, डिसग्राफिया तो लिखने से संबंधित, पठन वैफल्य डिसलेक्सिया यह पढ़ने से संबंधित है, स्वलीनता अर्थात ऑटिज्म, तो स्वलीनता खुद में लीन है, ये बिल्कुल ADHD के आधार पर जा रहा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी कि न्यून अवधान और अति सक्रियशीलता, विकार, विकार। कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, और कभी कभी वही बच्चा एकदम मुरझुलवा नहीं, और एकदम चुपचाप स्थिर जैसे सांप सूंघ गया है, और कभी कभी बिना पूछ ले एकदम जवाब दे देगा, तो ADHD से ग्रसित है। हाँ, ट्रीटमेंट देके सुधारा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कहता है प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बी एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी, माने कि अच्छी रणनीति नहीं है, किसमें, एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि सुनाई में प्रॉब्लम है, श्रव्य बाधित, दृष्टि बाधित नहीं है, आनहर नहीं, आनहर नहीं बोलना है उसे, दिव्यांग बोलते हैं, तो मने कि ब्लाइंड नहीं है वो हियरिंग में प्रॉब्लम है, सुनने में, तो संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम ही पर ही आश्रित रहना, मुंह से बोलने वाला मौखिक ओरल, तो बच्चे सुनेंगे कैसे, यही तो गलत होगा, मने रणनीति प्रभावी कौन सी नहीं होगी, यही वाला तो प्रभावित नहीं, यही तो पॉजिटिव होगा, मने ये निगेटिव होगा और इसी को चुनना है, यही उत्तर होगा। अरे ओरल रूप से क्वेश्चन पढ़िए आप, पहले अपने समझ जाइएगा, वीडियो बच्चा देख तो सकता है जो बाधिर है, जो श्रव्य सुन नहीं सकता, देख तो सकता है वीडियो, पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति शारीरिक गतिविधि क्या है, देखने वाली चीजें, मौखिक संप्रेषण, शाब्दिक चित्रित संप्रेषण, चित्र वगैरह क्या है, देखने वाली चीजें, देखने वाला, देखने वाला, देखने वाला, तो बच्चा देख सकता है चूंकि आंख बढ़िया है, कान है खराब, तो यही ना देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता बढ़िया से, कान वाला, तो यही तो उत्तर है, यही तो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से, 19 नंबर, निम्नलिखित में किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति, यानी कि डिप्राइव्ड वर्ग जिसका हो रहा है शोषण, जिसको साम्यता का अधिकार नहीं मिल रहा है, समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो प्रति गढ़ित गूढ़ पूर्वाग्रह को, यानी कि बायस कर रहा है, पूर्व आग्रह उजागर कर सकता है। अरे यार कुछ नहीं, बात इतनी सी है, पूछ रहा है कि डीप सीटेड टीचर
prejudices about disadvantaged group can often be revealed, माने प्रकट करेगा, उजागर करेगा, through an analysis of, माने कौन सा विश्लेषण विकल्प का दिखा रहा है, which of the following classroom process, माने दिखा रहा है आपको कि पूर्वाग्रह कर रहा है, चाहे वो लिंग पूर्वाग्रह हो, जेंडर पूर्वाग्रह हो या भेदभाव हो, तो भेदभाव वाला क्या दिखा रहा है, कौन सा विकल्प दिखा रहा है, लिंग, जाति और आर्थिक स्थिति, श्रेणी के आधार पर निर्धारित बैठने की व्यवस्था, आसन ग्रहण करने की व्यवस्था, अर्थात सीटिंग अरेंजमेंट, क्या सीटिंग अरेंजमेंट, आसन व्यवस्था, यही तो पूर्वाग्रह वाला चीज दिखा रहा है, यही तो गलत है, और जो गलत है वही तो हमारा उत्तर है कि कौन सा विश्लेषण, कौन सा एनालिसिस प्रश्न विकल्प का दिखा रहा है कि हो रहा है पूर्वाग्रह, हो रहा है दोस्त क्या, पूर्वाग्रह, और एक नंबर उत्तर। नेक्स्ट 20 नंबर, कक्षा में सृजनात्मकता को, क्रिएटिविटी को बढ़ावा कैसे दीजिएगा, कौन सा अवसर, तो विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, विशिष्ट उपलब्धि यानी कि अच्छे अच्छे ग्रेड पाना, मार्क्स पाना, नंबर पाना, मार्क्स वगैरह आदि पाना, तो विशिष्ट अचीवमेंट यानी स्पेशल अचीवमेंट, अरे सामान्य अचीवमेंट को भी तो होना चाहिए, परीक्षा देने के बेहतर, क्या बच्चा परीक्षा देने के लिए पैदा लिया है, बच्चा तो सृजनात्मकता के लिए पैदा लिया है, सृजन हो, क्रिएटिव हो, बच्चा हो रचनावादी, बच्चा हो कंस्ट्रक्टिविज्म, जीन प्याजे के नन्हे अन्वेषक की तरह, अभिसारी यानी कि बंद अंत वाला, इन द बॉक्स थिंकिंग, जिसे कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, जिसका एकमात्र उत्तर होगा, तो यह तो गलत है, मौलिक खोज या अपसारी चिंतन, यह हमारा बेहतरीन है, यही उत्तर होगा, मौलिक माने स्वतंत्र विचार यानी कि स्वतंत्र चिंतन, सोच, बच्चे चिंतन प्रक्रिया, कल्पना परकता की ओर जाएं, यही तो बेहतरीन होगा, तभी तो बच्चे में सृजनात्मकता, बच्चा ज्ञान का नन्हा अन्वेषक, स्वक्रियाशीलता आएगी बच्चे में, क्या समझे दोस्त, दूसरा नहीं लग रहा है आपको देखने के साथ उत्तर, मौलिक विचार यानी कि फ्री माइंडेड थाउट, नॉट कॉपी वाला थाउट, कैसा, ओरिजिनल डिस्कवरी वाला, चिंतन करे, खोज करे, अन्वेषण विधि की तहत, ना जी, अन्वेषण विधि को और क्या कहते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड, खोजी विधि या अनुसंधान विधि, H.E.R. Armstrong। चलिए मुझे लगता है दूसरा आप देखते ही उत्तर मार चुके होंगे। सेकेंड 21 नंबर 21st क्वेश्चन कि कॉग्निटिव इंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद इन अ कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम कैन बी फैसिलिटेड बाय, कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावादी क्लासरूम, क्लासरूम कैसा है, रचनावादी, बोले तो एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता, माने संज्ञान का विकास कैसे होगा, किस प्रकार सुसाधित यानी सुसाध्य अचीव किया जा सकता है, कैसे सुसाध्य करेंगे, लक्ष्यों को प्राप्त कैसे करवाइएगा, तो बच्चों की सकारात्मक परस्पर संबंध द्वारा, देखिए सभी बच्चे अपने आप में क्या होता है, विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, और सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया यानी कि अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है बेहतर ढंग से, एक संव्यस्क पीयर के माध्यम से बेहतर ढंग से सीखता है, हाँ, एक बच्चा दूसरे बच्चे से अंतःक्रिया करता है, समन्वय क्रिया या अन्योन्यान्य क्रिया, कोरिलेशन, इंटरलिंक्सन करके, इंटरलिंक करके, कोरिलेट करके सीखता है, कुछ बात समझे, ध्यान से सुनिएगा मेरे, एक एक बोली में करोड़ों की बातें हैं सीटेट की, आप सुन लिए ध्यान से, रोक करके वीडियो को, कोई थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, चूंकि 10 सालों का एक्सपीरियंस हमने यूं ही नहीं झोंका है सीटेट में, घमंड नहीं है, अपने पठन की शैली पर अभिमान नहीं, स्वाभिमान है हमें, हाँ जी, सेल्फ प्राइड, नॉट प्राउड, घमंड नहीं, सेल्फ एस्टीम। चलिए तो देखिए, एक बच्चा दूसरे बच्चे से, आपकी कक्षा में बच्चा बैठा हुआ है, विद्यार्थी बैठा हुआ है, शिक्षार्थी बैठा हुआ है, एक संव्यस्क दूसरे संव्यस्क से, एक पीयर दूसरे पीयर से बातें करता है, बातें करके सीखता है यानी वार्तालाप करके सीखता है, एक दूसरे से अंतःक्रिया करके, हे रे ये हम मैथ नो है बुझे रे, ये
ललना मास्टर बता के गए, आई झूलनिया मैडम बता के गए, हम न बुझे बता तो हमारा रे। तो बच्चा दूसरे को बताता है और वह अपने दूसरे मित्र से सीख पाता है बेहतर। टीचर भी सम्यस्क होता है, दादा दादी दोस्त मुहिम ये सब पीयर के अंतर्गत आते हैं, सम्यस्क के माध्यम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्त, तो देखिए पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन देखिए पॉजिटिव है ना। तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है अंतःक्रिया, बिल्कुल अंतःक्रिया, अन्योन्यान्य क्रिया, कोरिलेशन और वार्तालाप के माध्यम से एक बच्चा दूसरे के माध्यम से सीखता है, पहला विकल्प भी सही है। अब देखिए हमारे पास विकल्प है पहला और तीसरा कहाँ मिल रहा है, एक दो तीन। अब मजबूरी बस हमें एक दो तीन विकल्प लेना पड़ेगा। क्यों दोस्त, बात इतनी सी है कि आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखता है सीटेट, शिक्षकों का जो संवेग है यानी शिक्षक एक विद्यार्थी से प्रसन्न हो रहे हैं, शिक्षक एक विद्यार्थी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, एनकरेज दे रहे हैं, ये सब भी तो संवेग हैं, इमोशंस हैं, इमोवेयर से जिसकी उत्पत्ति हुई। तो इसीलिए हमें ऑप्शन नहीं है मौजूद, वरना 100% बात करें तो पहला और तीसरा विकल्प है सहयोगात्मक कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देने वाला उत्तर, पहला और तीसरा, वन एंड थ्री। लेकिन यहाँ आपका वन और थ्री के साथ साथ दूसरा भी दिया है अध्यापक के संवेग, यानी कि अध्यापक एक बच्चे को पीठ थपथपाता है, कभी उसे कहता है यू कैन डू इट, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा, गुड बॉय गुड बॉय। आप उत्तेजित करते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं। तो विकल्प होना चाहिए एक और तीन, लेकिन आपको दो भी लेना पड़ेगा चूंकि नहीं है मौजूद। थ्री विल बी द राइट आंसर। 22 नंबर, द फेल्योर ऑफ चिल्ड्रन इज ऑफन द फेल्योर ऑफ स्किल स्कूल्स। मतलब कि बच्चा यदि असफल हुआ तो स्कूल असफल हुआ। बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, टीचर की असफलता होती है, शिक्षण व्यवस्था की, उस व्यवस्था की सिस्टम का दोष होता है। यही ना स्टेटमेंट है। निम्नलिखित कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है। देखिए स्कूल का अस्तित्व यानी स्कूल का जो होता है रेपुटेशन, छवि विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण हेतु है। यानी कि बच्चों में भेदभाव कीजिए, बच्चों को बांटिए कि तुम घपाक घपाक सीखने वाला और तुम लुसुर लुसुर सीखने वाला है, तभी बच्चे स्कूल का रेपुटेशन बना रहेगा। अस्तित्व स्मिता, अस्तित्व यानी कि उसकी स्मिता छवि रेपुटेशन बनी रहेगी, किसकी, स्कूल की। विद्यार्थी का सामर्थ्य विभेदीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन करने में, ऐसा होता है क्या, क्या मजाक चल रहा है हा? अरे बच्चे वाला पॉजिटिव चीज खोजना है ना आपको, स्कूल या टीचर का ख्याल रखने वाला विकल्प नहीं। बच्चे इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते। यस, अपने संज्ञान में विद्यालय नहीं लेते कि किस बच्चे को कौन सी जरूरत है, कौन किस विधि से टीचिंग मेथड से सुधरेगा सीखेगा, यह संज्ञान में नहीं लेते, जानकारी में नहीं लेते। इसीलिए बच्चा असफल होता है क्योंकि विद्यालय बच्चों की सीखने की विधि मेथड को, विविध तरीके को ध्यान में पालन नहीं रखते हैं। टू विल बी द बेस्ट आंसर। क्यों, तीसरा देखिए ना, और निगेटिव, चौथा और निगेटिव है, कैसे देखिए। बच्चे इसलिए असफल होते क्योंकि वह विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते, माने टीचर या विद्यालय का कहा नहीं मानते, डिसिप्लिन में नहीं रहते। यही ना कह रहा है, हुआ ना गलत, पढ़िए ना क्वेश्चन ध्यान से। विद्यालय का कहा नहीं मानिएगा इसलिए आप फेल हो जाइएगा। ये तो जबरदस्ती बच्चे को बोतू बनाना हुआ, बोंक बोंक। बच्चे की योग्यता की कमी यानी बच्चे में कमी है, टीचर में दोष नहीं है। अरे यार, शिक्षक में दोष, व्यवस्था में दोष, शिक्षण व्यवस्था में दोष। यदि हुआ है बच्चा फेल, आप ऐसे विकल्प सीटेट में खोजिएगा दोस्त, भाइयों एवं उनकी अच्छी वाली बहनों। ऐसे ही विकल्पों का चुनाव कीजिए, सीटेट का खेल तिलस्मी ऐसे ही पार कर जाइएगा आप। फोर भी गलत बात है। चलिए नेक्स्ट, 23 नंबर, टू बी रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल, यानी कि जीवन से जुड़ा हुआ, प्रासंगिक, रेलिवेंट, क्या प्रासंगिक और मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण होने का क्या आवश्यक है। यानी कोई भी संप्रत्यय, संप्रत्यय माने कॉन्सेप्ट, अवधारणा, जानकारी नहीं,
तो वह जिंदगी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, प्रासंगिक और मीनिंगफुल होना चाहिए। इस यह क्या आवश्यक होता है, क्यों ऐसा कहा जाता है, क्यों ऐसा जरूरी है? तो यार बाहरी जीवन जिंदगी से जोड़ करके पढ़ाया जाए, NCF भी कहती है पुस्तक के टेक्स्ट बुक के ज्ञान को बाहरी दुनिया के वातावरण से जोड़ा जाए, यही तो कह रहा है। बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य, यानी कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य मतलब बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाना, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यही हुआ, कुछ बात समझे? दूसरा नंबर उत्तर होगा, कहता है पाठ्य पुस्तक बच्चे की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना, मैंने रट्टा मार अच्छे से रट लेना, रट्टा मार गलत, उपयुक्त परिभाषा, परिभाषा भी रटते हैं ना, तो रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन, क्रैमिंग, रोट लर्निंग ये सब चीज़ें नहीं होंगी। 24 नंबर देखिएगा, कहता है एक कक्षा में बच्चे असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? अरे बच्चे का संवेग हावी है, वह डर गया है कि मैं बार बार फेल हो जाता हूँ, मैं फेल हो जाऊँगा, अब मैं क्या करूँ? तो बच्चे को क्या करना चाहिए? एक टीचर को, एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, यानी कि टीचर नहीं संभाल सकता। यार टीचर, यह बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है, बच्चा भगवान है, बच्चे का, बच्चे के द्वारा, बच्चे के लिए किया गया शासन ही, किया गया अधिगम नियम सिद्धांत ही बाल केंद्रित प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली कहलाती है, क्लास चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कहलाती है। कुछ बात समझे? अब्राहम लिंकन की परिभाषा याद आ गई होगी आपको ना, यहाँ लोग नहीं मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे क्लास में आपको। तो बच्चे का ख्याल रखने वाला विकल्प चुनिए, ये टीचर वाला धंधा नहीं चलेगा। विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, यानी विद्यालय बच्चे की जिंदगी से जुड़ी हुई बातों का, भाव से जुड़े हुए बातों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, तो कौन लेगा? अमेरिका वाला। बच्चे को विद्यालय भेजा रहा जा रहा है तो विद्यालय को जिम्मेदारी लेनी चाहिए जी, यह भी गलत। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। यस, हमने आपने गलतियां की और गलतियां हमारे डेली लाइफ का, प्राकृतिक जीवन का एक अंग है, सीखने का संसाधन है, सीखने का पड़ाव है, प्रमुख बिंदु है। और थंडाइक ने दिया एरर एंड ट्रायल मेथड, त्रुटि एवं अभ्यास का सिद्धांत। हाँ, बच्चे असफल होते हैं, त्रुटियां करते हैं, और त्रुटियां कर करके ही हम पैचों वाला हिसाब सीखे, घटाव सीखे, जोड़ना सीखे, क्या नहीं? यदि गलत है तो नाक पे जी चढ़ाइए, अपना नहीं तो पड़ोसी का। चलिए तीसरा विकल्प, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं, माने असफल हो जाते हैं। तो क्या इसीलिए असफल हो जाते हैं? हाँ, 24 नंबर, तो 24 नंबर का चार नंबर होगा क्या? भय का एहसास करने से बच्चे क्या होते हैं? विकासात्मक रूप से विफल, यानी कि असफल हो जाते हैं। तो ऐसा बात नहीं है साहब, आपकी टीचिंग मेथड क्या कहती हैं कि सब थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि त्रुटियां क्या है ना, सीखने का रिसोर्सेज हैं, प्रमुख पड़ाव है, संसाधन है, सीखने का अंग है, संपत्ति है, एसेट्स है। तीसरा नंबर उत्तर, 25 नंबर, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ता यानी विद्यार्थी को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। यस, आंतरिक रूप से यह धीरे धीरे बच्चे में ना, मतलब एक प्रकार का मोटिवेशन खत्म करता जाएगा। इंट्रेंसिक रूप से माने पुरस्कार क्या है, एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन, बाहरी लालच। क्या है पुरस्कार? बाहरी लालच। धीरे धीरे लालच खत्म होता नजर आएगा। आज 5 रुपये का डेयरी मिल्क दिए चॉकलेट, कल के दिन में आपको साइकिल देना पड़ेगा, कल के दिन में मोटरसाइकिल, और बुढ़ारी पे एक गिलास पानी भी मांगिएगा तो आदत लगा चुके हैं आप पुरस्कार की, तो एक गिलास पानी मांगिएगा तो बच्चा बोलेगा पहले 10% दे, एक कट्ठा जमीन लिख दे बुढ़वा, तब तोरा हम पानी देव, न तो ना देव। बात बुझ गई नहीं? पुरस्कार की आदत और दंड की आदत को वर्जित किया गया है, इतना याद रखें। तो पुरस्कार क्या करते हैं? बाह्य रूप से अभिप्रेरित और आंतरिक अभिप्रेरणा को खत्म करता चला जाता है। मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं ना, मोटिवेशन एक होता है इंट्रेंसिक इंटरनल, और एक होता है एक्सट्रेंसिक यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो पुरस्कार क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा, तो इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छीन यानी कि कम होती जाती है, दे डिक्रीज इंट्रेंसिक मोटिवेशन। सही बात है, यही तो हमारा उत्तर होना चाहिए।
यानी कि ये आंतरिक अभिप्रेरणा खत्म करते जाती है, अभिप्रेरणा बढ़ जाती है गलत, अभिप्रेरणा छीन हो जाती गलत, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही छीन हो जाती है। यार बाह्य अभिप्रेरणा तो बढ़ जाती है ना, ये छीन थोड़े हो जाती है पुरस्कार देने से, रिवार्ड वगैरह। चलिए देखिए 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अभिलक्षण यानी कि कौन सा लक्षण, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर, कौन सा दल यानी कि कौन सा ग्रुप, इसमें से कौन सा ग्रुप, कौन सा ग्रुप, कौन सा ग्रुप, कौन सा दल उत्तम समस्या समाधान करता है, यानी कि अच्छा बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर यानी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स ऑफन हैव विच सेट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि विच सेट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक गुण पाए जाते हैं। तो देखिए बच्चे में क्रिएटिविटी होगी ना, सृजनात्मकता, यह तो पॉजिटिव बात है। बच्चे में अपसारी चिंतन यानी एक समस्या को अलग अलग तरीके से समाधान कर सके, खुले अंत वाले बोले तो डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो यह भी तो बेहतरीन है। प्रतिक्रिया यानी कि क्रिया करे बिना नियम के, अनियमियता जिस प्रकार एक बार नम्यता यानी एक बार जिस नियम से उसने प्रश्नों को हल किया, अब दोबारा उस तरीके से नहीं किसी दूसरे तरीके से कर सकता है, यानी नियमों की कमी, क्या नियमों की कमी, अनम्यता यानी प्रक्रियात्मक बोले तो क्रिया की कमी, क्रियात्मक नियम की कमी, कुछ बात समझ में आई। लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, रिस्पॉन्स माने क्रिया करना, क्रियात्मक या प्रतिक्रियात्मक, अनम्यता मैंने अनम्यता मतलब कि नियम के अनुसार न चलना, और नियम के अनुसार चल रहा है तब तो रट्टू तोता, तब तो अभिसारी चिंतन है, तो अनम्यता की कमी अच्छे से समझिए अनम्यता। अब देखिए सृजनात्मकता सही है, अपसारी चिंतन सही है, नहीं समझे तो तीनों को ले लीजिए एक नंबर उत्तर। क्रियात्मक जड़ता यानी कि एक ही रूप से वह जड़ है बोले तो फिक्स है, जड़ता यानी कि फिक्स प्रोसेस को अपना रहा है, फिक्स रिस्पांस दे रहा है, तो कैसे होगा सही, एक ही प्रकार का रिस्पांस, जैसे महात्मा गांधी का निबंध 10 लाइन में याद कर लिया, अब उसको 50 बार पूछिएगा तो एक के रट्टू तोता की तरह वही बोलेगा, महात्मा गांधी का जन्म फलना फलना में हुआ था 18, अलग अलग कोई सिद्धांत ही नहीं है उसका, अलग कोई नियम ही नहीं है, अब सारी चिंतन यानी कि अनम्यता है ही नहीं, तो अनम्यता है, अनम्यता की कमी पाई जा रही है। सृजनात्मकता है क्रिएटिविटी, तो यहाँ जड़ता है गलत हो जाएगा, अभिसारी चिंतन वैसे भी एक नियम से अर्थात कन्वर्जेंट थिंकिंग बोले तो एक नियम के आधार पे इन द बॉक्स थिंकिंग बंद अंत वाला, तो अभिसारी गलत हो जाएगा, अभिसारी को देख के गलत कर दीजिए, अभिसारी को देख के गलत कीजिए, यहाँ अपसारी है। और क्रियात्मक जड़ता है, जड़ता का मतलब अभी बताए ना, फिक्स, फिक्स होना, प्रोसेस, कैसा प्रोसेस, फिक्स्ड प्रोसेस, तो फिक्स्ड प्रोसेस तो हो गया बंद अंत वाला यानी अभिसारी, कन्वर्जेंट, इन द बॉक्स थिंकिंग, बच्चे को खुले अंत वाला अपसारी के साथ ले जाइए, इसीलिए यह गलत एक नंबर उत्तर। नेक्स्ट 27 नंबर, शिक्षार्थी के विद्यार्थियों की यानी कि शिक्षिका के विद्यार्थियों की, खासतौर पे कौन विद्यार्थी, वंचित वर्ग जिसे भेदभाव किया जा रहा है, सफलता और असफलता के बारे में विचार अक्सर उन माने कोई विद्यार्थी है, कोई शिक्षिका का कोई स्टूडेंट है, सफलता और असफलता के बारे में उनका थिंकिंग जो है उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित कर देते हैं, यानी क्या कर देते हैं, अफेक्टिव कर देते हैं, सही बात है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है, शिक्षक की अपेक्षाएँ बच्चों के सीखने के बेहद प्रभावित करती हैं, बच्चे के सीखने को शिक्षक बहुत ज़्यादा कभी कभी बच्चे से अपेक्षा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षा, तो बच्चे गलतियाँ करने से धीरे धीरे डरने लग जाते हैं कि शिक्षक मारवो करेगा। टीचर्स एक्सपेक्टेंसी यानी टीचर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड कर लेता है, एक्सपेक्ट कर लेता है, तो अपेक्षा भी कारण है। माता पिता बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर लेते हैं, कैसे, राम गोपला शर्मा जी के बेटी लाई 100 में 100 मैथ में,
और वर्मा जी के बेटी लाई 99 नंबर, देखिए ताना ना कटा दी। शर्मा जी के बेटी जो है ना 100 नंबर लाई है, तुमने ला सकी मारे मगज में एकदम ऐसे बाल खींच लिए। कौन चीज दूध नहीं खिलाते थे तुमको, कौन चीज कमी रखे, जो मांगती है देवे करते हैं। पगलहिया कहीं की रमरतिया कलवतिया नेटैया चपटैया दटुटिया। उसे बच्चे को ताना दे दे करके हम अपनी अपेक्षाओं को खड़ा करने के लिए बच्चों को सफलता और असफलता से धीरे धीरे डर लगने लग जाता है और इस प्रकार बच्चा प्रभावित होता है। यही काम एक महत्वाकांक्षी टीचर भी करते हैं। शिक्षक की इसलिए एक नंबर उत्तर हो जाएगा, बाकी देखिए बाकी नहीं है बेस्ट। शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्तता यानी कि बच्चों की फ्री आज़ादी पर कंट्रोल कर देना चाहिए, तो बाल केंद्रित कैसे होगा फिर। शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, बोला ना कंपटीशन नहीं लेना है, एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक दूसरे से बेहतर करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते क्यों हैं, लर्निंग क्यों करते हैं अधिगम, कि एक बच्चा सीख सके, सृजनशील हो सके, रचनावादी हो सके, दूसरे बच्चों को हाराबाजी पिछड़ा पिछड़ी करने में नहीं। एनसीएफ 2005 कहती भी तो है, रिकॉर्ड तोड़ने और बनाने की भावना को प्रश्रय नहीं देना है। कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधि को बढ़ावा देने वाली बातों वाली शिक्षा नहीं होनी चाहिए। ऐसे विद्यार्थी को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीति में प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि असफलता क्या है ना, बहुत बड़का बीमारी है। हाँ, बच्चे को गलती करने ही मत दीजिए, बच्चे को फेल होने में ही मत दीजिए। अरे फेल होना ना शुभ लक्षण है, जिसने जिसने भी फेल हुआ है उसने इतिहास रचा है। देख लीजिए थॉमस अल्वा एडिसन, देख लीजिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, देख लीजिए देवरा मास्टर मैट्रिक में 2000 ईस्वी में एकदम क्लीन बोल्ड फेल। कारण कुछ आरू भी था। चलिए आगे देखिए, यहाँ एक नंबर उत्तर होगा, बच्चों से ज्यादा अपेक्षाएं कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन, इसीलिए एक नंबर उत्तर, बच्चों को सफलता असफलता से डर लगने लग जाता है। 28 नंबर प्रश्न है दोस्त, कहता है कि शिक्षक शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है, यानी पॉजिटिव रूप से बच्चों में कैसा एनवायरनमेंट हो सीखने का, लर्निंग का। एक तय और निर्धारित समय सारणी माने फिक्स्ड टाइप का टाइम टेबल होना चाहिए। बताइए बच्चों को बांध के रखने वाला अभिसारी चिंतन, क्या यह सही हो सकता है? आप कहेंगे कि गलत बात है। पुरस्कार और सजा का प्रयोग गलत, दंड नहीं देना है बच्चे को। बच्चों के संवेग को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, यस बच्चे का संवेग इमोशन जो भी है हाँ उसको सीखने का प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ लर्निंग का पार्ट बना दीजिए, बच्चे बेहतर ढंग से सीखेंगे। बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण, वर्गीकरण, विभेदीकरण, अलग अलग कर देना, समूहीकरण, समूह में बांटना बच्चों में भेदभाव को बढ़ाता है, बच्चे में डिप्रेशन को बढ़ावा देता है, ये भी गलत। 3 नंबर सही, बच्चे का जो भी संवेग है, संवेग बोले तो जैसे कि संवेग है डर रहा है बच्चा, तो डर से ही किसी चैप्टर को जोड़िए। प्रशंसा कर रहा है, बच्चे की प्रशंसा यानी बच्चा खुश हो रहा है, तो खुशी से रुचि के सिद्धांत से जोड़िए। नहीं समझे ना, अरे बच्चों का संवेग जो है, संवेग क्या है, जैसे रुचि का सिद्धांत, रुचि तो रुचि के साथ चैप्टर को जोड़ दीजिए, प्रसन्न चित्ता के साथ, प्रसन्नता के साथ जोड़ दीजिए, ये सब क्या है, संवेग ही तो है इमोशन, तो इसके साथ चैप्टर को पढ़ाइए। 3 नंबर उत्तर, बाकी तीनों विकल्प तो वैसे भी दमदार नहीं है। 29 नंबर प्रश्न है दोस्त, शुड अ टीचर बी कंसाइडर्ड एज अथॉरिटी फिगर विद इन द क्लासरूम हु कैन नॉट बी चैलेंज्ड। क्या एक शिक्षिका को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए, माने टीचर हो हिटलर, एक सत्ताधारी व्यक्ति, तो सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखिएगा टीचर को, तब तो फिर
राजतंत्रात्मक यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली होगी, टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए कक्षा, प्रजातांत्रिक बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड वाली। तो क्यों नहीं देखाना जाना चाहिए सत्ताधारी यानी कि टीचर को हिटलर के रूप में, इसे चुनौती न दे सके, जिसे कोई चुनौती न दे सके। तो टीचर जो है एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके। तो क्या देना चाहिए? आप बोलिएगा कि नहीं सर, नहीं देना चाहिए क्योंकि टीचर सेंटर्ड क्लासरूम नहीं होता। विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं धीरे धीरे। बच्चे क्या हैं, मैंने बताया ना अनुशासन में आप बच्चे को बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो बच्चे धीरे धीरे हिचकिचाएंगे, डरेंगे और प्रश्न पूछने की आज़ादी छीनती चले जाएगी। अपने कक्षा में यही तो पॉजिटिव चीज़ है कि दोस्त आप व्हाट्सएप पे पूछिए, पूछने में दिक्कत है तो बॉस वॉइस रिकॉर्डिंग में उत्तर भेजूंगा। और हमारी खासियत है तीन विकल्प क्यों कटते हैं ये बताऊंगा। आने वाले एक क्वेश्चन को बनाइए और 10 क्वेश्चन को बनाकर ले जाइए। बोले तो एक क्वेश्चन को पढ़े मेरे द्वारा और 10 से 20 क्वेश्चन अब उस पे जो जो आएगा जिंदगी में आप उसको क्लीन बोल्ड करिएगा, चित्त करिएगा, टाइम भी मैनेजमेंट होता चला जाएगा। यह है टीचर्स अकेडमी भागलपुर की दमदार प्रस्तुति और खासियत आप मित्रों के सादर आशीर्वाद के आधार पर, शुभ दुआओं के आधार पर। यस, हाँ, इसे विद्यार्थी शिक्षकों के आज्ञा पालन एवं आदर के मूल्य सिख, आज्ञा पालन करवाना ये सब गलत बातें हैं सीटेट में। हाँ, केवल ऐसा शिक्षक स्पष्ट मार्गदर्शन यानी ऐसा ही शिक्षक अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है, गलत बात नहीं। आज के तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक युग में विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया अप्रासंगिक है, ऐसी बात नहीं है। बच्चे डरते हैं, हिचकिचाते हैं। सांप्रत्य की स्पष्टता यानी कि कॉन्सेप्ट वाला जो है उनका क्लैरिटी स्पष्टता उसमें कमी रहने लग जाता है। क्यों? सत्ताधारी जब टीचर होने लगेगा, हिटलर टाइप का टीचर जब बन जाएगा, तो 3 नंबर उत्तर है। यस, नेक्स्ट नंबर दोस्त, लास्ट नंबर आज के CDP सेगमेंट 16 दिसंबर 2021 के प्रश्न का, ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ आपके क्वेश्चन के सेट में 22 दिसंबर लिखा होगा। हाँ जी, ऐसा ही आया हुआ है। चलिए, 30 नंबर प्रश्न है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षिका को विद्यार्थी के गलत उत्तर सही करने चाहिए, क्या करने चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है ना, तो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए या क्या करना चाहिए? तो हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए। नहीं दोस्त, बच्चे ने जवाब दिया गलत है, थोड़ा रुक जाइए, बच्चे को एकांत में ले जाइए, मौका देखिए, बच्चे धीरे धीरे, या फिर छोड़ दीजिए, बच्चे धीरे धीरे माहौल में ढल करके उम्र के साथ साथ सीख जाएंगे। आप धीरे धीरे बच्चों में आप डांट दीजिए, हट गधा कहीं का, गलती बार बार बोलता है, जब भी मुंह खोलता है जहर घोलता है, बैठ, सिट डाउन। बच्चा धीरे धीरे बोलने की आज़ादी खो देगा, बच्चा डरने लग जाएगा, बच्चे में अभिव्यक्ति की आज़ादी खोती चली जाएगी। कुछ बात समझ में आई? संशोधन तुरंत करना नहीं चाहिए। अरे टीचर के तौर पर सोचिए ना कि आप बच्चों को कैसे बेस्ट तरीके से पढ़ाइएगा। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। यानी गलती नहीं है फिर भी इस भय को जगाइए मत, बिना भय के बच्चे को एनकरेज करते रहिए, बेस्ट बात है। तभी तो बच्चा एक्सप्रेस कर पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है दोस्त, तो क्या करना चाहिए यही चीज़ है। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है, आपसे पूछता है कि CDP आप पढ़ लिए हैं नुनू, आप सोच के दिखाइए तो आप कितने बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आप सारी चिंतन से सोचते हैं। यही देख रहा है इस बार CTET ऑनलाइन एग्जाम से, क्योंकि सिलेबस भी है 60% रहेगा रीजनिंग अर्थात तार्किकता पर आधारित प्रश्न, और आप तो टीचर्स एकेडमी के सुरक्षित हाथों में हैं। नहीं है डरने की किसी बात की डर, क्योंकि ओ माय डियर डोंट फियर बिकॉज आई एम विथ यू माई डियर। गलत हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी दर्शाते हैं, नहीं कमी दर्शाते नहीं है, इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। अरे यार थोड़ा रुकिए, बच्चे की कमी को तुरंत कमी कह दीजिए तो बच्चा धीरे धीरे हिचकिचाएगा, धीरे धीरे बोलने की आज़ादी छिनती चली जाएगी। बच्चे के स्कूल सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इन्हें उत्तर गलत तुरंत सुधार देना चाहिए। नहीं साहब, 2 नंबर उत्तर। चलिए दोस्त, उम्मीद करता हूँ बहुत दमदार सेगमेंट रहा होगा। मिलते हैं पुनः अगली दमदार कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।